फ्रेंड्स, आपका न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स ये बात करने जा रहे हैं कि हमने एक फ़ोटोशॉप की सीरीज़ चालू की थी। जैसा आप लोगों को बताया, फ़ोटोशॉप के मैंने कुछ वीडियोस मैंने डाले थे, वो टूल्स के बारे में थे। तो आप लोगों को बता दें कि फ़ोटोशॉप में वैसे तो इंटरनेट पर देखा जाए तो यूट्यूब पर बहुत सारे ढेरों वीडियो पड़े हुए हैं। तो मैंने सीरीज़ को वहाँ बीच में ब्रेक दे के, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो ब्रेक दे के आपको सीधे यहाँ पे हम वेडिंग एल्बम के बारे में बताने आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे मतलब वीडियो पड़े हैं तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएंगी। लेकिन वेडिंग एल्बम के बारे में हम आपको बता देंगे। वेडिंग एल्बम में जब बनाते समय उसमें बहुत सारी बारीकियाँ ध्यान में रखनी होती है, तो इसलिए हम आपको सीधे वेडिंग एल्बम पे बताते आ रहे हैं कि आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। और वेडिंग एल्बम की जानकारी के लिए आप शुरुआत करें तो कैसे कैसे क्या क्या बारीकियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बता दें कि अगर वेडिंग एल्बम में किसी की वेडिंग है तो आप शूट नहीं किए हैं, फोटोग्राफर शूट करके आता है तो आपके पास वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए प्रोजेक्ट जब आता है तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना होता है। दरअसल क्या होता है कि जब कोई भी शादी का जब एल्बम होता है तो हमारे सामने जब फ़ोटो चलती है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है इवेंट और वो स्टार्ट से लेके कितने प्रकार की रस्में होती हैं, हमें उस रस्मों को ध्यान में रखना होता है। क्योंकि एक तो पहली चीज़, आप स्वयं वहाँ शूट पे नहीं गए होते तो बहुत सारी चीज़ें जानकारी नहीं होती, क्योंकि फ़ोटोग्राफर सामने होता है। तो एक जनरल चीज़ आपको तो ध्यान में ये रखना ही होता है, याद रहती है भाई शादी में क्या क्या रस्म होती हैं, रस्म रिवाज। तो कुछ तो फ़ोटो से जानकारी मिल जाती है और बाकी जो जनरली है वो सबकी शादियों में आप लोग देखे होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब फ़ोटो पार्टी, जिस पार्टी का यदि फ़ोटो खींचा तो बाद में जब इवेंट उसके आगे रिसेप्शन मतलब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो वो लोग फ़ोटो छांटते हैं। छांटने के बाद जितनी फ़ोटो रखनी होती है तो उन फ़ोटो में से, छांटे हुई फ़ोटो में से जो है आपको जितने रस्म रिवाज होते हैं, आप जितनी रस्म रिवाज होते हैं उनको एक फोल्डर बना के उन रस्म रिवाज के फ़ोटोज़ आपको छांट के सीधे जो है एक फोल्डर में करते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक बताया, हल्दी, एक हल्दी कार्यक्रम होता है तो हल्दी में जितने भी मतलब दूल्हे दुल्हन के यहाँ दोनों पक्ष में हल्दी मनाई जाती है, तो उसमें हल्दी की जो भी फ़ोटो रहती है उनके रिलेटिव्स वगैरह वगैरह जो रहते हैं सब फ्रेंड्स वगैरह सब हल्दी कार्यक्रम में आते हैं। संगीत समारोह होता है, संगीत समारोह का होता है, तो इन सब चीज़ का एक फोल्डर बना के रख लेंगे ना, तो डिज़ाइनिंग में आपको उसमें उस फील्ड की डिज़ाइनिंग करते समय जो क्रिएटिविटी है उसके लिए अलग अलग क्या क्रिएटिविटी है, आपका माइंड उस तरफ डिवाइड कर दे। तो दरअसल अगर इस तरीके से हम नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो क्रिएटिविटी है ना वो हमारी छिप जाती है, हम क्रिएटिविटी उसको दिखा नहीं पाते हैं कि क्या है। फिर वही एक मतलब एक सीरीज से जो स्टार्ट हुआ इवेंट और वहीं से सीधे सीधे चलते चले गए, पता लगा कि इस कार्यक्रम में कुछ अलग से क्रिएटिविटी होनी चाहिए और वहाँ पर कुछ अलग होनी चाहिए, यहाँ अलग होनी चाहिए, तो वहाँ पर हम भूल जाते हैं, है ना, तो दिखा नहीं पाता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि आप पहले ये हल्दी के इवेंट कर लीजिए, फोल्डर मतलब छांट लीजिए, और फिर अलग अलग जैसे अभी एक छोटा शादी है, ये छोटी शादी है, इसका मैंने बहुत कम फोटो है इसमें मैंने छांट के बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ से ये बारात चली है ना, बारात इस तस्वीर से चलती है, मतलब ये द्वार से, लड़के के द्वार से चल रही है, यहाँ से निकासी हो रही है, बारात की निकासी हो रही है हम आपको बता दें। और ये निकासी होती है मंदिर पूजा मतलब वगैरह करते हैं ना, मंदिर पूजा, फिर उनके पेरेंट द्वारा सब महिलाओं द्वारा बारात को विदा करना, यहाँ से महिलाओं की विदाई होती है, फिर रास्ते में फिर ये बारात चलती जाती है, दूल्हा कार में बैठता है, इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो ये बारात चल चुकी होती है, फिर बारात कई बार क्या होता है, बारात गाड़ी से मतलब दूर की बारात रहती है तो बारात उतरती है फिर लड़की के दरवाजे पे, या बारात घर जाने के पहले बारात आती है, तो उस तरीके से किस तरीके से बारात आ रही है, फिर बारात का एक अलग से फोल्डर बनाया उसमें अलग से वो डिज़ाइन करें। और बारात में जो क्रिएटिविटी है जैसे हम वीडियो में दिखाते हैं उसी तरीके से फ़ोटो में भी अलग अलग डिज़ाइनिंग करके आप बता सकते हैं, है ना। फिर द्वार पूजा होता है आखिरी में, जब लड़की के दरवाजे पे आते हैं तो यहाँ पे बारात जब पहुँचती है तो द्वार पूजा यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये द्वार पूजा से फिर ये आती है, फिर द्वार पूजा में भी क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, उसमें कितने प्रकार के रस्म किस तरीके से होती है वो द्वार पूजा दिखाई जाती है,
जिसे गणेश पूजा भी कहते हैं लोग, है ना, गौर गणेश पूजा वगैरह। तो उसके बाद द्वार पूजा के बाद फिर लड़का जाता है कहाँ, स्टेज पे। स्टेज पे जाने के बाद फिर दुल्हन का एंट्री होती है, दुल्हन आती है। तो इस तरीके से फिर दुल्हन एंट्री के बाद फिर जयमाल होता है। जयमाल के बाद फिर सारे फिर जितने रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, सब एक आशीर्वाद कार्यक्रम होता है। तो इस तरीके से मतलब आप फोल्डर डिवाइड करें तो, और फोटो को देखिए। और दूसरी चीज़, कैमरेमैन जब फोटो खींचा रहता है तो कैमरे में भी एक सीरियल नंबर, आपको हर फोटो का एक सीरियल नंबर मिलता है। तो ये चीज़ आपको आसानी से वहाँ मिल जाती है, आसानी से फोटो को सीधे निकाल के आप लगा सकते हैं। देखिए ये 245, 246, 247, तो ये स्टेज का फोटोज़ है। तो स्टेज के फोटोज़ आप देख रहे हैं, सीरियल बाई सीरियल चले आ रहे हैं। तो ये इतनी सारी फ़ोटो सीरियल स्टेज की हैं। फिर उसके बाद फिर शुरू होता है शादी का कार्यक्रम रात में। फिर शादी में फिर इस तरीके से शादी के में रात भर चलती है, वो सारे कार्यक्रम होते हैं, है ना, सात फेरे वगैरह होते हैं, फिर विदाई होती है सवेरे। तो इस तरीके से जो है ये पूरे कार्यक्रम हुई। तो ये चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर ये सिस्टमेटिक ढंग से आप इसको जमा के, और उसके बाद फिर उन रस्म और रिवाजों से रिलेटेड आपको जो मतलब क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, उसको आप नेट पे भी आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे डिज़ाइन, और क्या बोलते हैं उससे रिलेटेड जो जितने भी कुछ पिक आर्ट भी मिल जाते हैं, है ना, कैरिकेचर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। तो इसी तरीके से आप अलग अलग ऐसे फोल्डर बना के रखेंगे, तो फोल्डर बनाने के बाद क्या होगा, आपको वैसी वैसी डिज़ाइन भी जो है ना, डिज़ाइन का जो आपका वो रहता है पीएसडी डिज़ाइन, आप उनको पीएसडी भी डिज़ाइन भी ऐसे ही आप एक फोल्डर में बना के रखे रहिए। और एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए अपनी पीएसडी डिज़ाइन करने में, तो आपको आगे की भी और एल्बम डिज़ाइन करने में उतनी मेहनत नहीं जाएगी, थोड़ा थोड़ा सा बस समय मतलब उतना नहीं लगेगा, और फटाफट आप अपना अपना वर्किंग कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप जो है एक ग्रुप फ़ोटोज़ जो रहती हैं, जो ज़्यादातर स्टेज पे लोग आशीर्वाद देते हैं, ग्रुप में लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, तो वैसे ग्रुप फ़ोटो के बड़े बड़े आप फ़ोटो भी बना सकते हैं, है ना। तो जैसे ये कुछ इस तरीके से, जैसे ये दिखाते हैं कि ये कवर पेज होता है, फिर कवर पेज के बाद शादी और ये चलती जाती हैं, है ना। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से डिज़ाइन करनी होती हैं। ये सब ग्रुप फ़ोटो हैं, ये देखिए बड़ी ग्रुप फ़ोटोज़ हैं, इनको बना सकते हैं आप ऐसे इस तरीके से। तो इनके जो बॉक्सेस होते हैं वो बड़े बॉक्सेस में होते हैं, है ना, तो ये बड़े बॉक्स में दिखाने पड़ते हैं। तो इसलिए इनके ग्रुप भी मतलब उसी तरीके से होने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ स्टेज डिज़ाइन जो वहाँ पे सजावट वगैरह हुई रहती है, आप सजावट को भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमको किस तरीके से डिज़ाइन करने हैं, जो फ़ोटो आई हुई हैं वहाँ किस तरीके से उसको हमें दिखाना है। एक वीडियो में जो एरिया कवर, वीडियो एरिया कवर करके दिखाता है, तो आपको एक फ़ोटो के माध्यम में, स्टिल फ़ोटो के माध्यम से आपको एरिया कवर कैसे दिखाना है उस एल्बम में। और ये क्रिएटिविटी आपको हर इवेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या क्या आप दिखा सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ जानकारी हमने आपको दी इसमें वेडिंग एल्बम से रिलेटेड। वेडिंग एल्बम यदि आप शूट करना चाहते हैं तो क्या क्या हमें बारीकियां ध्यान में रखनी होती है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही बताते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से आपको वेडिंग एल्बम की डिज़ाइनिंग के बारे में हम बताएंगे और इफ़ेक्ट वगैरह लगाने बताएंगे। तो लगातार आप जुड़े रहिए न्यू मीडिया क्रिएशन पे। धन्यवाद, नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते समय बगल में घंटी के निशान बेल आइकन को भी टिक कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर पहुंच जाए। तो नमस्कार, धन्यवाद।